सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 13 जुलाई। हाँ जी, आज है 13 जुलाई और आज है मेरा फास्ट, क्योंकि मैंने अभी मंगलवार का जो है फास्ट स्टार्ट कर दिया है। तो आज मेरा ये सेकेंड ट्यूसडे का व्रत होगा और मैंने उठाया है कुछ स्पेशल पर्पस से। तो बस आज का दिन भर यही रहेगा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो दिखाऊंगी मैं, क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, आप दिन भर क्या करते हो, यही चीज़ें होती हैं। तो जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फैमिली के साथ में हूँ, तो मैं इसीलिए अपना थोड़ा सा व्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ वाले में मैं अकेले रहती हूँ, मुझे नहीं चाहता व्लॉगिंग क्या करूँ। बट जो भी चीज़ें रहेंगी छोटी मोटी सी, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। पीछे जो आवाज़ आ रही है, यार ये नमिश की, क्योंकि नमिश कर रहे हैं ब्रश और ब्रश करते वक्त दीदी को तांडव करा रहे हैं। तो ये रहे वो, और बाकी आप ये देखिए पीछे कृष्ण जी की मूर्ति कितनी सुंदर सी है। नीलांश, नीलांश नहीं आएगा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद फिर मेरे को पूजा वगैरह करना है। इंडा सुबह से मेरे को मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। क्या कर रहे हो ये तुम मम्मा के ड्रॉर में? ये सब मत निकालो, मम्मा बहुत पिटाई करेगी। हाँ तुमने देखो मम्मा बुलाती हूँ। सालनी देखो ये आ गई, ये देखो नीलांश को क्या बदमाशी कर रहे हैं, देख लो इनको, देख लो। नीलांश आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई बेटा। कहाँ कहाँ, रुको 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 रुको। तो अभी यहाँ पर दीदी बना रही है साबूदाने की खीर। तो अब तो यहाँ पर बन रही है साबुदाने की खीर और आलू भी रख दिया है, आलू बन रही है। तो इसके लिए पहले दूध को जो है गर्म कर रहे हैं, उसमें डाल दिया है दीदी ने चीनी। अभी वो अच्छे से देखे पक गया है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे क्या क्या डालेंगे, इसके बाद ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और साबुदाना डालेंगे। तो अभी यहाँ पर मिल्क अच्छे से जो है उबल गया और अब इसमें डाला गया है ड्राई फ्रूट। अभी इसमें साबुदाना नहीं डाला गया है। एंड ये जो खीर होती है ना बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने खाया था, जब मैंने पहली बार उठाया था मंगलवार का व्रत, और इस बार भी खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ दीदी से। तो आज का जो ये व्लॉग है ये एक्चुअली थोड़ा पुराना व्लॉग है, बट मैं अभी इस कंडीशन में नहीं कि कुछ नए व्लॉग वगैरह शूट कर पाऊँ, सो दैट्स व्हाई मैं पुराने व्लॉग ही अपलोड कर रही हूँ। एंड अभी आप इसको ही देखिए, से ही सपोर्ट कीजिए, बाकी आगे नए व्लॉग्स आएंगे। तो अभी हो गए हैं हम लोग रेडी, और क्योंकि अभी दीदी को मिल गया है अपॉइंटमेंट पार्लर का, यहाँ पास में ही है, अच्छा पार्लर है। अब देखते हैं हेयर कट अगर अच्छा करती होगी तो अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये रही मेरी दीदी। आज के मैंने ब्लॉग अपलोड किया, लोगों ने ये मेरे से बोला है कि दीदी के लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाई, लोगों ने नहीं, एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर नाम मैं भूल गई हूँ, बट उन्होंने बोला है, तो मैं जल्दी ही कुछ बनाऊंगी जरूर दीदी के लिए। मैगी बना दे, मैगी। हाँ यार बनाने से मतलब है ना, कुछ भी हो, चाय बना। अच्छा हाँ, फेस रिवील के लिए भी आज के ब्लॉग में बोला गया है, तो आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा उसमें होगा, आई थिंक अपलोड हो चुका होगा इस ब्लॉग आने के पहले ही, तो उसमें इनका चेहरा आ चुका है, बट अभी आज मैं दिखाऊंगी पूरा चेहरा। तो अभी आ गए हैं हम पार्लर एंड हमारा कोई भी काम नहीं हुआ, और आज क्योंकि ये फास्ट तो बनेगी मीठी पूड़ी जिसमें चीनी मिला करके बनेगी। वैसे तो काफ़ी लोग गुड़ मिला करके बनाते हैं, बट फिलहाल अभी यहाँ पर बन रही है चीनी वाली पूड़ी और उसके साथ बनेगी बीन्स की सब्जी। वैसे भी ना हनुमान जी का जो व्रत होता है वो कुछ सिंपल तरीके से रखा जाए उतना ही अच्छा है, और जो मतलब व्रत रखा जाता है उसमें एक टाइम आपको खाना भी खाना होता है, और यहाँ पर नीलांश की जो क्यूटनेस है वो मैंने कैप्चर की है, एंड किस तरीके से नमकीन खा रहा है और साथ में पानी पी रहा है, इसको देख करके मुझे खुद इतनी मज़ा आ रही है ना, आपको खुद देख करके अच्छा लगेगा। तो आज का व्लॉग ना इसकी मस्ती के साथ में भरा हुआ, और ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है। हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। आज है डेट आई थिंक 13 है, मैं पहले कन्फर्म कर लेती हूँ। ओके पहले कंफर्मेशन के साथ, नहीं सॉरी 14 है आज। तो आज है डेट 14 और अभी कर रहे हैं नया ब्लॉग स्टार्ट। तो कल हम एक्चुअली सोचे थे कि जाएंगे हेयर कट करवाएंगे, बट दीदी का काम हुआ, मेरा काम नहीं हुआ है। एंड इसके अलावा आज और भी काम है, काम इन द सेंस छोटे पुत्र जो रोज के होते हैं वही सब है। अभी तो फिलहाल मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉग 11 बजे, और मैं बस अभी जस्ट इसके बाद खाना वाना खा करके अपने बाकी सारे काम करेंगे। चलिए देखते हैं दीदी ने क्या बनाया है। तो चलिए देखते हैं दीदी ने आज क्या बनाया है। आज बनाया है तड़के वाली दाल, और उसके साथ बने हैं करेले की सब्जी और कुछ एक चीज़ तो और मुझे बनी दिख रही है। ओके तो ये रही सूखी सब्जी। तो अभी खाना बन गया, बहुत जोरों की लगी है, तो जल्दी से खा करके फिर चलते हैं, कुर्ती पहनते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपनी हेयर कट के लिए, जो कि आई थिंक दो दिन से कैंसिल हो रहा, मतलब
बहुत बुरा लग रहा है कि दो दिन से कैंसिल हो रहा है। मैं इतने मन मन से जा रही हूँ करवाने हेयर कट और दो बार कैंसिल हो गया, मतलब वहाँ जा करके भी मेरा नहीं हुआ है। तो बस तैयार होकर के थोड़े से एक कोलैबोरेशन करते हैं, उसके बाद फिर जाके हेयर कट करवाऊंगी, फिर से आकर के कोलैबोरेशन करूंगी, उसके बाद कुछ और करूंगी। ये आ गया मेरा गुड्डू, ना भी सुंदर सुंदर इतनी सुंदर सा लड़का कैप्चर किया जा रहा है अपने आप को छुपाते हुए। तो चलिए चली 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 कहाँ कहाँ तो अभी हो रहे हैं शाम के 5 और मेरा एक कोलैबोरेशन हो गया है, मैंने कुछ अपलोड वगैरह भी कर दिया है। तो अभी हम चल रहे हैं चाय पियेंगे और ये बनाई है दीदी स्माइली, जो कि मेरे को लगता है बचपना मतलब जिससे जब ये स्माइली आना शुरू होता मार्केट में, मैं तब से मुझे बहुत पसंद था और मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई थिंक आप इसे बहुत सारे लोगों जिनकी फेवरेट होगी, एंड मैंने इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा सीखी थी। आई थिंक ये मैंने कई जगह देखा था, लोग चावल से बनाते थे, कई लोग आलू से बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे, लेकिन जो बात इसमें है ना वो किसी में भी नहीं है। तो अभी जो इसके साथ मज़े हैं वो कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो मैं मस्त बारिश के मज़े लूँगी, चाय पीऊँगी। और यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने वाले बच्चे आ गए हैं, यहाँ पे ये जो डिस्टर्बेंस करने वाले बच्चे ये आ चुके हैं। तो चलिए चाय पी करके फिर चेंज करते हैं और फिर कुछ नए कपड़े में आते हैं। नीलांश क्या कर रहे हो? नीलांश मैं सब देख रही हूँ जो तुम कर रहे हो, मैं मम्मा को सब बता दूंगी। हाँ यू नहीं करो, मैं सब बताऊंगी मम्मा को। तो अभी हो गया है टाइम हमारा घूमने का, मेरा बिट्टू का घूमने का हो गया टाइम। बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि नवेश आ गया था नीचे और ये नहीं आ पाए हैं, तो अभी चलते हैं खोजते हैं नवेश किधर घूम रहे हैं। अभी तो फिलहाल इनको मैं लेके आ गई हूँ नीचे, ये भी मास्क वास्क लगा के बाकायदा आ जाते हैं तैयार होकर के। देखते हैं नवेश किधर है, किधर है बेटा? भाई भाई इधर है, इधर है। चलो अच्छा इधर देख के आते हो। किधर है भाई, किधर है बताओ? तूने हाथ से उठाई नमेश? हाँ हाँ क्या होता है? नीलांश